ओके, सो आई एम फ्रॉम सांगली महाराष्ट्र, सो आई आई थिंक वी हैव पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, राइट? सो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट आज हैं और एवरी स्टेट से हैं, और आप लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए कि मैं इस वेबिनार को क्यों अटेंड करूं, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या मतलब इस वेबिनार से क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसा मैंने देखा कि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग से या किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री से हैं, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि कोई जॉब में है, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, कोई कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई अपना सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है। सौम्या मैम आईटी एंड नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड क्रिप्टो ट्रेडर है। मीन्स हम जितने भी प्रोफेशन में, आइदर इन बिजनेस और आइदर इन जॉब, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें या तो अगर हम जॉब में है तो हमें अपने स्किल्स के बेस पे पैसा मिलता है, या अगर हम बिजनेस में है तो हम जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस पे पैसा मिलता है, राइट? मॉन्डल से रियल एस्टेट से है, तो रियल एस्टेट से है तो मतलब वो जब भी कोई फ्लैट, कोई कोई जमीन, कोई सेल होगी तभी जाके उनको इनकम आएगी, राइट? सो द मेन एजेंडा इज द मेन पॉइंट इज दैट कि हम जॉब में है या बिजनेस में, हमें कस्टमर्स चाहिए, हमें कस्टमर्स चाहिए होता है। अब आप बोलो कि जॉब में है तो कैसे कस्टमर्स चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन सेल्स बिजनेस, सेल आपका जो जॉब में प्रोफाइल है सेल्स का है, तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन आपको क्लाइंट को दिखाना है, और क्लाइंट आपके प्रेजेंटेशन से इतना खुश हुआ कि डील क्लोज हो गई कंपनी की, तो जब कंपनी की डील क्लोज हो गई तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी के पास क्लाइंट रहेंगे तभी तो कंपनी आपको पैसा देने वाली है, हमें पैसा देने वाली है, राइट? अगर सिमिलरली आप जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप जितना अच्छा अपने आप को प्रमोट करेंगे, राइट, तो ही तो आपके साथ लीड्स आएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप फेसबुक यूट्यूबर है, जैसे बहुत लोगों ने बोला कि आप यूट्यूबर है, राइट? सो आप अपने आप को जितना अच्छे से प्रमोशन करेंगे तभी तो आपके पास लीड्स आएगी। सो यहाँ पे एक आता है कि एक स्किल्स आता है कि हम क्रिएटिव्स कैसे बनाएं, हम किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि क्रिएटिव्स जितना अट्रैक्टिव होता है ना उतना लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो अगर किसी का क्रिएटिव देखते हो, किसी का प्रमोशन देखते हो और क्रिएटिव्स बहुत अच्छा होता है तो आप स्क्रॉल करके रुक जाते हो। सो क्रिएटिव्स, एक अच्छा क्रिएटिव्स बनाना है अपने आप में एक स्किल्स है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। एक सेकेंड, सो क्रिएटिव्स कैसे बनाया जाए? क्रिएटिव्स के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन वाई कैनवा? कैनवा ही क्यों किया जाए, कैनवा ही क्यों यूज किया जाए? देखिए, अगर आप बिजनेस में है, जॉब में, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे हजारों काम करने होते हैं, और साथ साथ अगर आपको क्रिएटिव्स भी बनाना आ जाए और आपको कम टाइम लगे तो आप अपना आउटपुट बहुत अच्छा दे सकते हो। अब अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, राइट? सो कंपनी चाहेगी कि एक ऐसा बंदा ढूंढे जिसको दोनों आ रहा है। एवरीवन गोज फॉर ऑलराउंडर, उसे ऑलराउंडर चाहिए। तो कैनवा ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कितने भी अपने काम में, आपके पास स्किल्स दूसरा है, आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम में आप कैनवा से ऐसे ऐसे क्रिएटिव्स बना सकते हो कि जो लगेगा कि कोई एक एक एक्सपर्ट बनाया है। सो कैनवा इज दैट काइंड ऑफ टूल। अगर आपको अभी आइडिया नहीं, तो जो आज हमारे के ट्रेनर है वो आपको इस तरीके से सिखाने वाले कि कैसे आप कम टाइम में कितना क्रिएटिव्स किस तरीके से बना सकते हो। आपको आई गेस शायद आइडिया भी नहीं होगा कि कैनवा में हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव्स बनाना एक बोल सकते हैं कि क्रिएटिव्स का मतलब ये कि हम कितना क्रिएटिव कर सकते, हमारे माइंड में कितना क्रिएटिविटी है उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में क्रिएटिविटी नहीं भी है ना, बट इस टूल के वजह से, इस टूल के मदद से आप ऐसे ऐसे क्रिएटिव्स बना सकते हैं कम टाइम में, जो एक लगेगा कि एक प्रोफेशनल बनाया है। और आप किसी भी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका पैकेज भी इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है कि आप जॉब में, बिजनेस में है तो आपके पास लीड्स भी आने लगेगी ज्यादा, राइट? सो आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, एक बार मुझे बताएंगे सर कि क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या?
कोई कंफर्म करेगा? मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके नीचे राइट साइड पे टूल बार देखिए वहां पर। यस यस अभी विजिबल है। यस सो आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो आज के जो ट्रेनर रितेश केसरवानी, एंड मैं इनका अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये प्रोफाइल वर्किंग एज ए बिजनेस ओनर और 19 इयर्स का इनके पास कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है और 6 साल एज ए इन्होंने इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम किया है। सो अगर आप बात करें कि आज के जो हमारे ट्रेनर है इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है बिजनेस का, जॉब का, और जॉब में भी 19 इयर्स का आप बोलोगे तो एक मैनेजमेंट लेवल का एक्सपीरियंस है। तो आप उनसे आज हम उनसे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कैनवा को यूज करके एक अच्छा क्रिएटिव्स बना सकते हैं। अगर आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये इनके साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनको आप फेसबुक के पेज पे ऑनबिट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पे आके पेज को लाइक करके इनके सारे वीडियोज, इनके सारे लाइव्स, इनके सारे जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं वो देख सकते हैं आप। अगर आप इनके साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑनबिट ऑफिशियल के नाम से आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो ऑनबिट और करे संभव के नाम से इनका 2 यूट्यूब चैनल है, उस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इनकी बात करूं कि इन्होंने अभी तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं फिजिकल और ऑनलाइन। सो बोथ फिजिकली और ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के अगर मैं बात करूं तो 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, लोगों को हेल्प कर चुके हैं। सो आज हम उनसे सीखना चाहेंगे। आप लोग रेडी है उनसे सीखने के लिए? एक बार चैट पे यस बोले आप लोग। क्या आर यू एक्साइटेड टू लर्न विथ रितेश सर? यस यस यस। तो ज्यादा देर ना करते मैं इनवाइट करना चाहूंगा रितेश सर को। रितेश सर, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू। All right, thank you so much, Amit sir, for such a wonderful introduction. और आई होप मेरी आवाज और वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। एक बार क्विकली मुझे चैट में लिख के बता दें। मैंने देखा है आप सभी लोग अलग अलग जगहों से आज इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, लाइक बैंगलोर से भी मैंने देखा, कर्नाटका से भी लोग हैं, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी से भी ऑब्वियसली काफी सारे लोग हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान का एक छोटा सा यहाँ हिंदुस्तान आज इकट्ठा है और मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि हर जगह से लोग जो है आज कैनवा को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। और यकीन मानिएगा ये जो सेशन है तकरीबन 40-45 मिनट का, एक घंटे का जो सेशन हम देने वाले हैं, ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो मैं आपको इंगेज करके रखने वाला हूँ, बहुत सारे चैट्स आपसे करवाने वाला हूँ। मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि सेशन के बाद आप कुछ सीख के यहाँ से जाएं और एक वैल्यू से फील्ड ये आज का वेबिनार आज हम करने वाले हैं। सो अमित सर को एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और मैं फर्दर अपना स्क्रीन आगे शेयर करता हूं और लेट्स बिगिन कि आज का वेबिनार किसके लिए है, राइट? तो आई होप मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल होगा। ओके, सो आज का वेबिनार किन लोगों के लिए है? कौन लोग हैं जो उस वेबिनार से आज बेनिफिट उठा सकते हैं और कैनवा और क्रिएटिव्स को लेकर वो अपने प्रमोशन से रिलेटेड चीजों को वो यूज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले बात आती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो अगर आप बॉस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यानी कि किसी ने किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को या किसी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो, अपने आप को एज अ ब्रांड प्रमोट करते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा सेशन होने वाला है। क्योंकि ब्रांडिंग आप जब भी करते हो, क्रिएटिव्स आपको बनाने होते हैं। कई बार ऐसा जरूरत आती है कि जब आप अपने अचीवमेंट्स को लोगों को शेयर करते हो, अपनी टीम के अचीवमेंट्स के साथ लोगों को, दुनिया को बताना चाहते हो, और वो इंटरेस्टिंग तो होने ही चाहिए, वो अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, इफेक्टिव दिखने चाहिए क्रिएटिव्स, राइट? तो आपके लिए सेशन अच्छा होने वाला है। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो, किसी न किसी प्रोडक्ट को आप अफिलिएट के माध्यम से करते हो या साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो नेटवर्क एमएलएम के लिए भी ये है, क्योंकि एमएलएम में अक्सर आपको अपनी टीम का प्रमोशन, अपने अपलाइन डाउनलाइन का प्रमोशन करना होता है, अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को बताना होता है दुनिया को, आपके क्रिएटिव अच्छे होने चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप सर्च कर रहे हो कि कहीं मुझे कुछ ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिल जाए, या ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे आप अपने करियर को कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आप फैशन इंडस्ट्री से हो, आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां पर ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ग्राफिक डिजाइनर रखता हो अपने मीडिया को, अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाने के लिए,
राइट तो आज की डेट में अगर मैंने बात करूं तो कैनवा ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ी है, और आप naukri.com या किसी और यू नो जॉब पोर्टल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो अच्छी खासी सैलरी आज की डेट में कैनवा ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड है, तो वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो यू नो अलग अलग टूल्स के सर्विसेज के थ्रू, अगर आप डिजिटल डिजिटली अपने प्रोडक्ट को या किसी और के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो तो भी आपके लिए सेशन अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात खत्म आती है एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन क्या है कि किसी ना किसी चीज को प्रमोट करने के लिए आपको क्रिएटिव की जरूरत होती है, और डिजिटली जमाने में आज की डेट में आपको क्रिएटिव के बिना आप सर्वाइवल नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन होकर ही पूरी तरह काम नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन आना ही होगा, और ऑनलाइन आने के लिए आपको वीडियोस बनाने चाहिए होंगे, आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, आपको अपने पोस्टर्स बनाने आने चाहिए, आपको ब्रोशर बनाना आना चाहिए, आपको खुद की वेबसाइट आपको होनी चाहिए आपके पास अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह में है, तो ये सारी चीजें आप कैनवा से कर सकते हो, सिंगल टूल है जो आपको सारी चीजों में परफेक्ट बनाता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं, करियर बनाना चाहते हैं और इस तरह के ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे या फ्रीलांसर के तौर पे आप सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को अपनी ग्राफिक को डिजाइन करने के लिए, किसी ने बात करी है लेट्स से जैसे हम हमारी कंपनी में खुद एक ऑलरेडी यू नो एक हमने एक हायर किया हुआ है जो हमें सर्विसेज देते हैं, हमारे पोस्टर्स हमारे वीडियोस वो बनाते हैं, तो ये एक अच्छी तरह की सर्विस है जिसमें आप पार्ट टाइम में मल्टीपल कस्टमर्स को केटर कर सकते हो अपनी सर्विसेज देकर, और जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम में भी फ्रीलांसिंग करके डिजाइनिंग के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते। तो आज का वेबिनार में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं प्रोडक्ट्स उस पर एक नजर डालते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सेशंस पे। इन दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरह से राइट टेम्पलेट आपको सर्च करना है टूल के अंदर कैनवा के अंदर। सर स्क्रीन लैग है, लॉक है, ओके ओके। सो इन दिस वेबिनार वी आर गोइंग टू लर्न कि आप अपना किस तरह से राइट टेम्पलेट सर्च करने वाले हैं कैनवा टूल के अंदर, वो हम बात करने वाले हैं। पीपीटी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंपनी की पीपीटी तो है मेरे पास, लेकिन मुझे कुछ ऐसी पीपीटी बनानी है जिसमें मैं अपने विचारों को रख पाऊं, सरल भाषा में रख पाऊं, मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना है और उसमें अपनी टीम का अचीवमेंट दिखाना है। कल ही मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी, पुराने साथी हमारे, और उन्होंने बताया कि कंपनी की तरफ से तो प्रेजेंटेशन है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम की अचीवमेंट उसमें आए, मेरी सरल भाषा के अंदर मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करूं और अपने लोगों को अपनी टीम के साथ कनेक्ट करूं या दुनिया को अपनी टीम के साथ कनेक्ट कराऊं, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है सर। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, आप कैनवा से कर सकते हो। किसी ने बोला सर उसके अंदर ना इफेक्ट डालने हैं, किसी ने बोला कि उसके अंदर मेरे को पोस्टर के अंदर ना जब मैं फोटो खींचता हूं तो उसका बैकग्राउंड आ जाता है, और अगर मैं किसी ऑनलाइन फ्री टूल के थ्रू करता हूं तो पिक्चर की क्वालिटी गिर जाती है, तो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी हो और इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस अलग अलग जगह पे जाके करना पड़ता है, फ्री वीडियो कैसे देखें, रॉयल्टी फ्री सॉन्ग्स MP3 यू नो ऑडियो कैसे पिक करें ताकि किसी भी कोई पर कोई यू नो क्लेम ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रमोशन करोगे तो आपको अपने यूट्यूब पे भी उसको चढ़ाना होगा और यूट्यूब जो है बहुत स्ट्रिक्ट है कॉपी राइटिंग को लेकर, तो किस तरह से फाइंड आउट करें। मैंने कहा सब पॉसिबल है कैनवा के अंदर, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सब कुछ पॉसिबल है कैनवा के अंदर, इतना ह्यूज टूल है और बहुत सो आई थिंक वी कैन वेट। आई थिंक रितेश सर के एंड पे कुछ टेक्निकल इश्यूज है, सो वी कैन वेट। सो रितेश सर हमारे साथ डिसकनेक्ट हो गए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। ही इज ज्वाइनिंग वंस अगेन, वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं।
ओके रितेश सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यस थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम हुआ था, एनीवेज नाउ इट्स बेटर नाउ। तो ये सारी चीजें बेसिकली आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं। और सबसे लास्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि हम लोग यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं कि भाई अपनी फ्री की वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, फ्री की वेबसाइट आप कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो भी क्लियर है मिस्टर राइट? वीडियो आपकी हैंग हो गई है, हैंग है राइट। हाउएवर वी कैन कंटिन्यू। ओके सो दैट्स परफेक्ट। ओके तो हम कैनवा के बारे में बात कर रहे हैं, और कैनवा में सबसे पहला पॉइंट जो आज हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि हम राइट टेम्पलेट को कैसे सर्च करें। देखो एक चीज यहां पर मैं ना कैनवा में जाने से पहले आपको क्लियरली आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो ये है फ्रेंड कि देखो आपने बताया कि अपने अलग अलग प्रोफेशन को लेकर आप अपने यू नो प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो और क्रिएटिव बनाना चाहते हो, अच्छे इफेक्टिव क्रिएटिव बनाना चाहते हो, और ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटली आप इन चीजों को प्रमोट करने वाले हो, फिजिकली बहुत कम इसका यूज होने वाला है लेकिन डिजिटली होने वाला है। तो एक चीज तो समझ में आती है कि डिजिटल आप जो भी क्रिएटिव्स या जो भी वीडियोज आप कैनवा के माध्यम से बनाने वाले हो ना, ये सारा का सारा आपके फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। अब जितनी भी चीजें आप क्रिएटिव डालते हो धीरे धीरे आपकी ब्रांडिंग होती है। अचानक से आप ये सोचो कि मैंने अच्छे अच्छे क्रिएटिव डालने शुरू कर दिए तो आपका ब्रांड एक तैयार हो जाएगा और लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके सर्विसेज को लेना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो लोग आपको धीरे 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 एडजस्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके लगातार एक तो क्रिएटिव होने चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और दूसरी चीज ये है कि क्रिएटिव जब भी आप डालोगे ना वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाला है, आपके ब्रांड को आगे चलकर बनाने वाला है। क्लियर है ना? आप जैसे जैसे चीजें डालते जाओगे लोग आपके पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे और शुरुआत में तो गो थ्रू कर जाएंगे, आगे यू नो बाईपास करेंगे, दूसरे का देखेंगे, तीसरे का देखेंगे। आप ही का क्रिएटिव क्यों देखे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो और आपका क्रिएटिव देखेगा तो आपका ब्रांड बनेगा और लोग आपको पहचानेंगे और कल को जुड़ना चाहेंगे, सर्विसेज लेना चाहेंगे, प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे तो आपके साथ खरीद सकते हैं। तो लोग आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? लोग इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि आपके क्रिएटिव लीक से हटकर है, आपके क्रिएटिव बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के होते हैं, आपकी ब्रांडिंग एक अलग तरह से दिखती है और सामने वाला देखने के बाद ये सोचे कि हाँ यार कोई तो है जिसका ब्रांड अच्छा लगता है, जो जिसके बड़े अच्छे क्रिएटिव आते हैं और रुक कर देखने का मन करता है। जैसे आपने हमारा अभी छोटा सा एक क्रिएटिव देखा होगा, वो भी कैनवा से ही बना है। आप जैसे बहुत सारे लोग अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो या फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए हो, तो वहां पर एक छोटा सा हमने क्रिएटिव डाला था। यू नो आप इसको एक मैं आपको दिखाता ही हूं एग्जैक्टली, आपको आइडिया लगेगा कि आप क्या क्या चीजें उसके अंदर कर सकते हो और कितनी अच्छे तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो। तो वापस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और मैं आपको क्रिएटिव पे लेके जाता हूं। और ये देखिए ये क्रिएटिव आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हो, एक सेकेंड देखिए छोटा सा एक क्रिएटिव है, बहुत ही छोटा सा क्रिएटिव है लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैनवा से बनाई। अब आप जरा सोचो कि आपके छोटे छोटे प्रमोशंस ऐसी चीजें होनी चाहिए प्रमोशन में जो आप अपने स्टेटस पे लगा सको, रील पे डाल सको, स्टोरी पे लगा सको, स्टोरी कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, इंस्टाग्राम पे डालना है, तो ये सारी चीजें आपको एक छोटे छोटे स्पैन के लिए चाहिए। और इस तरह के क्रिएटिव में आप बहुत ज्यादा यू नो फिजिकल आके नहीं बोल सकते या टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ऑब्वियसली बात है एज अ पोस्ट जाएगा, रील या स्टोरी आप नहीं डाल सकते। ये सारी चीजें आप चाहते हो कि आपके क्रिएटिव ऐसे टेम्पटिंग से हो कि सामने वाले को मजा आ जाए कि हाँ भाई यार कुछ अच्छी चीज है, और ये सब पॉसिबल है कैनवा के अंदर। तो आज ही उसी वेबिनार को एक्सपीरियंस करने वाले हैं और सबसे पहले हम जानेंगे, पहला पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं और वो ये
कि राइट टेम्पलेट को कैसे सर्च करें। पहली गलती जो आप लोग करते हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भैया कोई सा भी पोस्टर आपने कैनवा में बनाया और आपने उसको वेबसाइट पे चढ़ा दिया। कौन सी वेबसाइट पे? यूट्यूब पे चढ़ा दिया। सेम चीजें आपने पोस्टर को डालने की कोशिश करी अपने उसमें कम्युनिटी में, या आपने फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं इसको डाल देते हो और आपको आइडिया नहीं लगता कि एग्जैक्टली आपने सही किया या गलत किया। आपके हिसाब से आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके आपने एक डिजाइन तैयार किया, उसका कंटेंट तैयार किया, अपनी फोटो शोटो वगैरह दुनिया भर के प्रोडक्ट की फोटो और सब कुछ आपने प्रमोशन अच्छा बनाया, एक बहुत शानदार टाइम लगा के आपने पोस्टर बनाया। लेकिन उसी पोस्टर को जब आपकी बारी आती है फेसबुक पे अपलोड करने के लिए, आपने कर दिया लेकिन आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे नहीं हो रहा है, क्यों भाई? यूट्यूब थंबनेल आपने उसका लगाना है लेकिन वो कहीं फिट नहीं हो रहा है, कट रही है चीजें। या फेसबुक का कवर पेज लगाना है, यूट्यूब का कवर पेज, आपको चैनल का कवर पेज लगाना है, वो लग नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहा है, चीजें कट रही है ना। तो आपने एक तो मेहनत करा, इतना टाइम लगाया, लेकिन आप एक ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको अपलोड कर पा रहे हो। तो ये इसलिए गड़बड़ होती है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सीधे कैनवा पे लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने एक यहाँ पर मैंने www.google.in पे मैंने ओपन किया और वहां पर सिर्फ कैनवा सर्च किया। आप कैनवा सर्च करोगे तो ये इसका कैनवा का लोगो है, ये सी करके आपको दिखा होगा आपने, यहाँ पर माउस मेरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको कैनवा के इस लोगो के साथ मिल जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपके सामने ओपन किया जाएगा। अब देखो, यहां से आप अपना कोई ना कोई क्रिएटिव उठाते हो और बनाना शुरू कर देते हो और सेम क्रिएटिव को आप कोशिश करते हो हर जगह डाल दो। ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत मेहनत करके आपने पोस्टर चढ़ा दिया और जब चढ़ने के बाद आपने उसको व्यू किया तो आपने देखा कि आपकी फोटो आधी कटी हुई है या आपके प्रोडक्ट का नाम आधा कटा हुआ है, कंपनी का नाम आधा गायब है। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जरा मुझे चैट में लिख के बताइए कि एक जगह क्रिएटिव बनाने के बाद किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप डालते हो तो कहीं ज्यादा आ जाता है, कहीं विड्थ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, फोटो कट जाती है। कितने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है मुझे चैट में लिख के कन्फर्म करिए। मी, ओके, यस, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और ये तब होती है जब आप कैनवा का सही इस्तेमाल नहीं करते। देखो, कैनवा एक बढ़िया टूल है, इतना तो समझ में आ गया। कैनवा एक ऐसा टूल है जिसमें आप MP4 वीडियो बना सकते हो, आपके यू नो क्रिएटिव हर तरह का बना सकते हो, वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, ब्रोशर, रिज्यूमे, लेटर हेड, एवरीथिंग आप सब कुछ बना सकते हो, वेबसाइट तक बना सकते हो, सोचो, है ना। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग कुछ कैनवा को इस्तेमाल करने में गड़बड़ कर रहे हैं, कैनवा को समझने में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होगा तब जब आप उसके राइट फीचर को एक्नॉलेज करेंगे। देखिए, सर्च ऑप्शन के अंदर अगर आप जाते हो ना और आप यहाँ अगर देखो, यहाँ पर देखो डायमेंशन दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन कितना 16:9 और साथ में इसका एक नंबर आ गया 1920 × 1080 ये क्या है, ये क्या चीज है? फेसबुक के ऊपर अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर डायमेंशन अलग दिख रहा है, यहां पर है 940 × 788 पिक्सल। सबका डायमेंशन अलग है तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने मेहनत करके तो बनाया है, समझ में आता है, ठीक है, आपने मेहनत करी है, लेकिन वही चीज अगर आप फेसबुक पे डालोगे और वही चीज इंस्टाग्राम पे डालोगे तो इंस्टाग्राम पे तो बॉस 1080 × 1080 लेता है। और आपने बनाया हुआ है फेसबुक पोस्ट या आपने बनाया है इंस्टाग्राम पोस्ट, अपलोड करना चाहते हो उसको आप फेसबुक पे। लिंक्डइन की अगर मैं कवर इमेज की बात करूं तो 2000 × 600। या लिंक्डइन बैनर अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए अलग डायमेंशन 1128 × 191, है ना। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि ये नंबर्स क्या है, क्या इस नंबर को मुझे याद रखना है? नहीं, कैनवा आपको इस नंबर्स को याद करने के लिए जरूरी नहीं है। कैनवा के अंदर वो फीचर है कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए टूल डिजाइन करना है, क्रिएटिव डिजाइन करना है, यू जस्ट ओनली डिसाइड दैट। वंस यू डिसाइडेड दैट यू हैव टू डू इट फॉर द फेसबुक पोस्ट, आपने केवल करना है सर्च बॉक्स में जाकर फेसबुक पोस्ट डाल देना है। आपने YouTube का थंबनेल बनाना है, आपने एक वीडियो बनाया, बड़ा शानदार वीडियो आपने शूट किया, अब YouTube के ऊपर थंबनेल आपको डालना है। अब देखो, थंबनेल अगर आप डालते हो तो थंबनेल के लिए 1280 × 720, अब क्या 900 × 900 वाला फिट हो जाएगा जो आपने फेसबुक के लिए बनाया था, क्या वो यूट्यूब पे आप डाल दोगे थंबनेल के तौर पर? नहीं डाल सकते सर। या थंबनेल जो बनाया है क्या उसी चीज को बहुत अच्छा क्रिएटिव आपने मेहनत करके बनाया एंड यू वॉन्ट टू put it on the Facebook and the Instagram also? No, possible नहीं। Possible इसलिए नहीं है क्योंकि dimension दोनों को अलग है। तो यहाँ पर search जो panel है ना, ये आपने search करना है। You just name it, आपको किस जगह के लिए चाहिए? आपको चाहिए Instagram,
इंस्टाग्राम पोस्ट। अब इसको अगर मैं डालता हूं, एंटर करता हूं, सॉरी, फिर भी देखिए इसे सर्च कर दिया इंस्टाग्राम। अगर आप यहां पे डालते हो तो इंस्टाग्राम के लिए आप देखोगे कि यहां पर थोड़ा स्क्वायरिंग स्क्वायर करके आपको यहां पर टेम्पलेट दिख रहा है ना। इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ इस तरह से आपको बन के आएगा, राइट। तो इससे आपको अपने डिजाइन को बनाना है। अब यही चीज अगर आपने फेसबुक पे डाला है, फेसबुक पोस्ट, अब इसका देखिए डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपको हो सकता है देखने में उतना आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कि बॉस थोड़ा सा तो अंतर है। अब देखो एक मजेदार बात क्या है कि मैक्सिमम लोग जो कैनवा यूज करते हैं उनको एक मैं आप लोगों को ना एक बहुत शानदार टिप देने वाला हूं, और ये आपको काम आने वाली है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई टेम्पलेट उठाया, मानो आपने कोई दिवाली आ रहा है या दशहरा आ रहा है, तो आपने एक अपने टीम के लिए कोई ऑफर्स निकालने, तो आपने क्लिक किया ऑफर वाले टेम्पलेट में और यहां पर आपने सेल का एक टेम्पलेट उठाया और एडिट मोड में आप उसको लेके आ गए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, राइट। तो मैं इस टूल बार जो मेरे ऊपर आ रही है इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं। हाँ, अभी देखो ये आपका टेम्पलेट आ गया। अब आपने क्या देखा, नोटिस क्या कर रहे हो गया कि पीछे देखो कैनवा करके कुछ लिखा हुआ है स्क्वायर में, डायमंड शेप में, और ये आपके डिजाइन को भद्दा बना रहा है ना, ये हट नहीं रहा है। वो क्यों हट नहीं रहा है, क्योंकि ये इसकी जान है बेसिकली। अगर आप इसको हटाते हो तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा। अब आपको डिजाइन को क्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा मैनुअली। अब आप उसका बना बनाया टेम्पलेट नहीं यूज कर सकते। अंडू करता हूं, आप देखो पीछे कैनवा ये लिखा हुआ रहा है ना, वॉटर मार्क आ रहा है और ये डायमंड शेप में आ रहा है और ये आपके डिजाइन को बद्दा दिख रहा है। आप चाहोगे क्या कि ऐसा डिजाइन बनाओ कि भाई ठीक है बिग सेल वाला मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है शॉप नाउ, ठीक है कोई बात नहीं, कैनवा बैकग्राउंड में वॉटर मार्क जैसा लिखा आ रहा है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया और आप अपने सोशल मीडिया पर डालना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बेशक आपको डिजाइन अच्छी लग रही है, सामने वाले को भी अच्छी लग रही है, लेकिन सामने वाले के दिमाग को क्या मैसेज आएगा, अरे देखो कितना गरीब आदमी है यार, ये फ्री टेम्पलेट यूज किया हुआ है, और दूसरी चीज उसमें कैनवा का वॉटर मार्क आया हुआ है, कितना खराब लग रहा है। आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट को कोई लेना चाहेगा? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जुड़ना चाहेगा, आप अफिलिएट मार्केटिंग में हो, कोई आपके साथ काम करना चाहेगा, या किसी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके डिजाइन को तुरंत देखते ही रिजेक्ट कर देगा, वॉटर मार्क तो हटाया नहीं, मेरी ब्रांडिंग कैसे होगी? तो कैनवा की ब्रांडिंग कर रहे हो आप, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पीछे वॉटर मार्क आ रहा है और कैनवा बोल रहा है भैया ये फ्री टेम्पलेट नहीं है, ये पेड टेम्पलेट है, और अगर आपको इसका टेम्पलेट हटाना है, मतलब इसको अगर आपने करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर जाकर गेट कैनवा प्रो लेना पड़ेगा, प्रीमियम अकाउंट का एक्सेस लेना होगा। कितना लगेगा भैया चार्ज, एक बार देख लेते हैं। आप यहां पर क्लिक करते हो कि भैया मेरे को अपग्रेड कर दो, तो समझ में आता है कि बॉस एक महीने का 499 रुपए और एक साल के लिए अगर आप सर्विस लेना चाहते हो 3999, लगभग 4000 रुपए आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो जो वॉटर मार्क आ रहा था ना वो हटेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको टिप दे रहा हूं, ये फ्री कॉस्ट है, इस वेबिनार का एजेंडा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपके सामने एक वैल्यू दे रहा हूं। वैल्यू ये है कि आपको जब भी इस तरह से क्योंकि आपने मेहनत करके डिजाइन तो बना दिया और फाइनली पता चला अरे यार उसको तो वॉटर मार्क है, सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो गई, सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया, सब कीमती चीज जो थी। अब देखो यहां पर आप अगर जाते हो ना, तो यहां पर नीचे टूल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलेगा फ्री वर्जन का। वापस से मैं होम पेज पे जाता हूं, टेम्पलेट पे आप सेलेक्ट करोगे, टेम्पलेट पे जब आपने क्लिक किया, थोड़ा सा नेट आई गेस मेरा स्लो है, थोड़ा सा नेट स्लो है, एनीवेज, तो यहां पर लेफ्ट साइड में टूल आपको जो मिलेगा ना, टूल बार में मैं आपको बताने क्या चाहता हूं कि वहां पर आपको फ्री और पेड दोनों का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेरे को फ्री वाला चाहिए, तो फ्री वाली चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी और आप इसमें से चीजों को उठा सकते हो, कोई सा भी डिजाइन होगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भैया ये फ्री है या पेड है, आपको यहां पर ना एक हिंट आपको मिल जाएगा, वो जैसे मान लो आपने फेसबुक पोस्ट आपने बनाना है, फेसबुक पोस्ट आपने डालना है, अब देखो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, इस टेम्पलेट के नीचे कोई निशान नहीं है, इस टेम्पलेट को आप उठाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टेम्पलेट है, आप उसको यूज कर सकते हो, डेटा को चेंज कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, अपना लोगो वगैरह सब जो लगाना है लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पेड लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है आर का साइन है, रुपीज का साइन है, इसके अंदर वॉटर मार्क वाली चीज आएगी, जैसा हमने वो एग्जाम्पल लिखा था बिग सेल वाला, ठीक है, तो यहां पर पेड सेक्शन आएगा, आप पेड वाले
मटेरियल को हटाकर आप अपना क्रिएटिव बनाना चाहो, सेम टेम्पलेट आप यूज करना चाहो कर सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रीमियम होते हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी के लिए देखो यहाँ पर हैप्पी गणेश चतुर्थी करके एक पोस्टर है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रो। इसका मतलब आप इस डिजाइन को यूज नहीं कर सकते, आप इस डिजाइन को अगर यूज करना है तो प्रो वर्जन आपको लेना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते। तो ज्यादातर टेम्पलेट आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे जो कैची से है, बढ़िया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ पेड एलिमेंट है या वो कंप्लीटली एक प्रो वाला है जिसमें कंप्लीटली वो पेड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो अपने एफर्ट को आप ऐसे टेम्पलेट पे लगाएं जो थोड़ा सा फ्री हो और इनफैक्ट कंप्लीटली फ्री हो और आप उसको यूज कर पाए। लेकिन एक चीज है, बार बार मैं बोलता हूँ कि ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब आपकी क्रिएटिव फेसबुक पे कोई देखे तो उसको मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस कोई क्रिएटिव बना दिया उसमें मजा ही नहीं आ रहा, आपने एक पोस्टर बना दिया जी मेरा नाम ये है, मेरी टीम के अंदर ये अचीवमेंट हो गए और इतने रुपए का पे आउट आ गया, या इतने रुपए का ये अचीवमेंट हो गया, ये लेवल अचीव कर दिया, या इस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा सेल हो गई, या एक्स वाई जेड जो भी आपको प्रमोशन करना है, लेकिन आड़ी तिरछी जगह फोटो आपने लगा दी, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा, फ्री वाला टेम्पलेट उठाया है जो देखने में मजा ही नहीं आ रहा, आपको लगता है कि आपका ऑडियंस वहां पर रुकेगा? आपके फेसबुक पे जब वो स्क्रॉल कर रहा है आपका भी पोस्ट सामने आता होगा तो क्या वो उसको रुक के देख रहा है या नहीं देख रहा है? आपको ये सवाल पूछना है क्रिएटिव को फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने से पहले, ये सोचना आपको है कि क्या वो क्रिएटिव को देखने के लिए रुकेगा? अगर रुकेगा ही नहीं तो क्रिएटिव डालने का फायदा क्या है? वो स्क्रॉल करके अगली पोस्ट पे जा रहा है तो आपका तो प्रोडक्ट आपने मेहनत करके बनाया भी, डिजाइन बनाया भी, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये आपको अपने आप से पूछना है कि बॉस क्या इसको देखने के लिए रुकेगा? तो इसके लिए आप, मैं हाईली रिकमेंड हमेशा करता हूं कि आप यहां पर फ्री के बजाय आप अगर प्रो वाला वर्जन यहां से परचेज करेंगे तो आपको उसमें प्रीमियम टेम्पलेट मिलेंगे और सारे टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सारे टेम्पलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसको गेट कैनवा प्रो करके आप उसको परचेज करेंगे 999 रुपए में। कैनवा का आपको ये चार्ज मंथली मिलता है, अगर एक महीने के लिए यूज करना है, साल भर के लिए यूज करना है, तीन महीने के लिए यूज करना है, सबका चार्ज दिया हुआ है, आप कैनवा से परचेज कर सकते हो और ये आपको एक नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन बनाने में आपको मदद करने वाला है। तो पहला हमारा जो हमने जो टॉपिक कवर किया था कि भाई इसमें आप सर्च टेम्पलेट कैसे करेंगे, तो ये सर्च का जो ऑप्शन है यहां से आपको सर्च करना है। और दूसरा एक ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा डिजाइन स्पॉटलाइट, इस पे अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको देखो बैनर मेकर बनाना है, फ्लायर मेकर बनाना है, लोगो मेकर भी इसके पास है, रेज्यूमे मेकर है, आपकी बहुत सारे यहां पर टूल दिए हुए हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ग्राफ्स बनाने हैं, फेसबुक के लिए चाहिए, ट्विटर के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, वीडियो एड्स बनाने हैं, वीडियो एडिटिंग करना है, फोटो बुक बनाना है, बिजनेस कार्ड अपना एक सॉफ्ट कॉपी बिजनेस कार्ड सामने वाले को भेजना है व्हाट्सएप पे कि भाई अपना प्रोफाइल भेज दीजिए या अपना डिटेल भेज दीजिए, तो आपने बिजनेस कार्ड में पीछे सर्विसेज रखे हुए हैं, आगे आपका फोटो, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह, ये सारी चीजें हैं, तो आप छोटा सा बिजनेस कार्ड आप बढ़िया सा डिजाइन कर सकते हो। रेज्यूमे, प्लानर्स, लेटर हेड, वेबसाइट, ग्राफ, पीडीएफ, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, जो हमारा अगला टॉपिक है कि अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको कैसे बनाना है। देखो दोस्त, बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा, यहाँ पर आप और भी सारी चीजें कर सकते हो, फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हो ना, तो बहुत सारे ऑफलाइन रिटेलर दुकानदार वो बोलेंगे भाई मेरी ना टी शर्ट की दुकान है, तो मैं चाहता हूँ कि टी शर्ट, लोग चाहते हैं कि भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो, मेरी और मेरे यू नो वाइफ की फोटो, बच्चों के साथ फोटो, या बच्चों की फोटो उनके खुद की टी शर्ट पे आए और बच्चे उसे पहने तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, अपनी और अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने चेस्ट पे यू नो टी शर्ट के ऊपर जो आती है उसको लेकर आप उसको पहनकर कहीं पे बाहर निकलते हो तो अलग ही लुक आता है, लोग कहेंगे अरे आपकी फोटो आपके टी शर्ट पे कैसे। तो ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और काफी चलता है। मग अगर आप घर में यूज करते हो चाय कॉफी वगैरह पीने के लिए, और उसको जब आप अपने यू नो पी रहे हो और सामने उस मग के ऊपर आपकी फोटो हो, या आपके ब्रांड का फोटो हो, या आपके प्रोडक्ट का उसमें फोटो बना हुआ हो, और लोग कहेंगे अरे कॉफी तो तुमने मुझे दी है और ये प्रोडक्ट भी तुम्हारा रखा है लेकिन मग के ऊपर भी फोटो लगा हुआ है, ये कैसे है? तो बहुत सारे किसी ने बताया कि वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करते हैं, तो लेट से आपका कोई सप्लीमेंट है उसका कुछ नाम है एक्स वाई जेड और वो आपके मग में भी आ रहा है, सामने वाला कोई आया और चाय आपने सर्व करी, कॉफी अपने मग में दी और मग जो निकाला उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट की फोटो बनी हुई है, तो वो नोटिस तो कर ही रहा है, आपकी ब्रांडिंग, आपका प्रमोशन तो नेक्स्ट लेवल का हो ही रहा है। और अगर आप इस तरह से दुकानदारों का भी अपना एक बिजनेस होता है, वो लोग भी मग के ऊपर आपकी फोटो, आपके प्रोडक्ट की फोटो बना के देते हैं, अच्छा पैसा चार्ज करते हैं। तो ये सारे डिजाइन आप मग हो, टी शर्ट हो, पोस्ट कार्ड हो, ये सब चीज आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीजें आप कैनवा से फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं अब आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने वापस से कैनवा पे जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक बढ़िया डिजाइन दिखाऊं।
तो मेरे पास प्रो वर्जन है ऑलरेडी, मैं अब प्रो वर्जन को स्विच कर रहा हूँ। अभी मैंने फ्री वर्जन के तौर पे आपको चीजों को दिखाया था, अब मैं प्रो वर्जन में लेके जा रहा हूँ। ये मेरा प्रो वर्जन हो गया। अब इस प्रो वर्जन से मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने डाला। और देखो बिजनेस प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टेम्पलेट आपके पास आ गए। ये साइड में जो जूम की बार आ रही है इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ नाउ। ओके देखिए, ये बहुत सारे टेम्पलेट आ गए। आप इसमें 14 स्लाइड्स हैं, आप इसमें माउस रखोगे ना या स्क्रॉल करोगे तो ये आपको हर स्लाइड का दिखा देगा डिजाइन कैसा है। आपको ऊपर से ही पता चल जाएगा कि अंदर का मटेरियल कैसा होने वाला है, अकॉर्डिंगली आप अपने इसको चीज को चूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप चला रहे हो, एडवर्टीजमेंट एजेंसी चला रहे हो, 11 स्लाइड्स हैं इसमें। देखो इस तरह का यहाँ पर टेम्पलेट आएगा, देखो तो थोड़ा ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड थोड़ा फोटो के साथ आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आप इसमें कोई और बढ़िया टेम्पलेट भी उठा सकते हो, जिसके ऊपर आप कैप देख रहे हो ना, ये आपको प्रीमियम वाले वर्जन है सारे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि अभी मैंने प्रीमियम उठा लिया है तो प्रीमियम में मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो के थ्रू आ रहा है, ये और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट आपको देखो यहाँ पर डिजाइन दिख रहे हैं, लाखों डिजाइन पड़े हुए हैं। आप इनमें से कोई सा भी अपना प्रेजेंटेशन उठाओ, हर बार नई ताजगी के साथ अपने कस्टमर को इंटरेक्ट, हर बार नई ताजगी के साथ अपने कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते। अब देखो ये 15 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, और देखो बिजनेस प्रेजेंटेशन कितना सुंदर ये डिजाइन दिख रहा है। इसमें अलग अलग ग्राफिक्स डाल सकते हो, आप अपनी टीम की अचीवमेंट दिखा सकते हो, उनके फोटो लगा सकते हो, उनकी अचीवमेंट्स, उनके बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल्स, प्रोडक्ट की सर्विसेज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। आप ऑब्वियसली जानते हो कि कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आप बेटर जानते हो, तो वो सारी चीजें आप उठा सकते हो। ठीक है, बिजनेस प्लान करके कोई प्रेजेंटेशन अगर आपने उठाना है तो आप उसको उठा सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक आपने बिजनेस यू नो प्रेजेंटेशन आपने डिजाइन करनी है, मैंने ये वाला टेम्पलेट उठा लिया। अब देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया आपके एडिटिंग मोड पे, और एडिटिंग मोड में देखो बिजनेस कॉर्पोरेशन करके आ रहा है, पीछे इस कंपनी का यू नो प्रोडक्ट्स आ रहा है, ऑरेंज लुक है, थोड़ा बढ़िया सा दिख रहा है और कैची दिख रहा है और आई अपीलिंग लग रहा है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानने से पहले आपकी प्रेजेंटेशन में दम हो, प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो, इंफॉर्मेटिव के साथ साथ, तब तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और वो रुक के देखेगा। नहीं तो जूम मीटिंग पे आप मीटिंग ले रहे हो, जैसे कुछ लोग अभी ड्रॉप हो गए, वैसे वहां पर आपके साथ भी बिजनेस प्रेजेंटेशन जब आप देते होगे तो ये चैलेंजेस आपको आते होंगे, कुछ लोग ड्रॉप हो जाते होंगे। तो ये अगर आपको देखो बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यू नो ऑरेंज करके दिया हुआ है चीजें। आप यहाँ पर नीचे पहली स्लाइड आ गई, आपको अबाउट अस का सेक्शन करना है। आपने ये फर्स्ट स्लाइड लिया, आपने ऐड किया, प्लस को क्लिक किया, सेकंड वाली स्लाइड आपने डाली, थर्ड को क्लिक किया, आपको लग रहा है कि भाई ये वाली डाल देता हूँ, फोर्थ को आपने क्लिक किया, फोर्थ वाली स्लाइड आप लेट से ये वाली यूज करना चाहते हो, आपने ये वाली यूज कर ली। अब देखो कितनी अच्छी यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है, और आप कितने कितने आसानी के साथ अपने प्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट कर सकते हो। यूजुअली लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं और बहुत सारे ग्राफिक यू नो जो सारी चीजें आप उधर डालते हो। तो अगर आपने एक एंगेजिंग प्रेजेंटेशन रखना है, इसके अंदर एनिमेशन वगैरह सब डाल सकते हो, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हो। अगर आप ये प्रेजेंटेशन कोई बोलता है ना कि अब मेरा अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन यार मुझे भेज देना, तो आप क्या करते हो वही पीडीएफ में कन्वर्ट करके या पीपीटी आपने उनको भेज दिया। अब उसके अंदर वॉइस नहीं है आपकी, आपने जो प्रेजेंटेशन देना था वो तो जूम पे आपने बता दिया हो या गूगल मीट वगैरह पे आपने बता दिया हो, लेकिन अब वो चीजों को समझेगा कैसे जब वो गो थ्रू कर रहा है। तो अगर आप अपनी इस चीज को अट्रैक्टिव और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो शेयरिंग के पर्पज से, जब आपने जूम पे प्रेजेंटेशन दे दिया तब तो आप बोल रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो चलेगा, आप सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है, वो सारी चीजें एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जरा सोचो कि सामने वाले ने बोला यार यार मैं ज्वाइन तो किया था ना, लेकिन अभी ना मेरे को एक मीटिंग में ड्रॉप करना है, आप ये प्रेजेंटेशन मुझे भेज देना, मैं उसको बाद में गो थ्रू करके आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आप परेशानी में पड़ जाते हो, यार मैंने उसको एक्सप्लेन तो करा ही नहीं है, अब ये कैसे समझेगा मेरी बात को। आप इसमें अपने वॉइस को ऐड कर सकते, जब आपका एक बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया, एक तो आपने लाइव क्लियर रख लिया वो एक अलग प्रेजेंटेशन हो गया, अब आप इसमें ऑडियो को ऐड कर सकते हो। इसमें आपने अपना ऑडियो अगर ऐड करना है तो आपने ऑडियो ऐड कर दिया और बिजनेस प्रेजेंटेशन को बताते चले गए, ताकि जब सामने वाला इस प्रेजेंटेशन को ओपन करे तो उसको वो ऑडियो सुनाई दे। MP4 के फॉर्मेट में चला जाएगा, प्रेजेंटेशन 16:9 के फॉर्मेट में ही रहेगा, लेकिन एक तरह से वो MP4 वीडियो होगा। जैसे ही वो प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा उसको आपकी वॉइस के साथ वो सारी चीजें सुनाई देगी। देखो यहां से आप प्रेजेंटेशन मोड में लेके जा सकते हो, और
यहाँ से आप इसको प्रेजेंट करोगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा और ये आपका प्रेजेंटेशन एक तो देखो एनिमेशन के साथ ये चालू होगा। किस तरह से इसमें एक लुक आया एनिमेशन का, तो ये एक अट्रैक्टिव लुक दिख रहा है। ऐसे आप मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करते चले जा सकते हो, आप नई स्लाइड बना सकते हो, बीच के अंदर अपने ऑडियो ऐड कर सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो, जैसे मर्जी चीजों को आप उसमें एडजस्ट एक्नॉलेजमेंट उसमें आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अच्छा, ऑडियो कैसे डालोगे? ऑडियो डालने के लिए देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा मेन्यू जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो एक ऑडियो आ गया। ऑडियो में आप यहाँ पर अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो एक से एक बढ़िया यहाँ पर सॉन्ग आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो आपको किसी यू नो एक्स वाई जेड साइट पे जाकर MP3 पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट इसमें चढ़ाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, फिर वहां से अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या क्रिएटिव के अंदर आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक लंबा प्रोसेस। ठीक है, दूसरा इसमें आप जब आप ये करते हो तो आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन में आपने अपनी सारी डिटेल्स को चेंज किया, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये फोटो हटाना है, डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, इसकी जगह कुछ और फोटो डालना है रिलेटेड आपका, लेट्स से न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, किसी सर ने बताया अभी या किसी ने बताया भाई क्रिप्टो है आपका, क्रिप्टो करेंसी आपने देखा तो क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारा आ गया, आपने उसको उठाया और इसको उठाकर इसके ऊपर डाल दिया। अब देखो सेट हो गया ना, क्रिप्टो करेंसी का प्रेजेंटेशन बन गया। आपने बोला जी न्यूट्रिशन का चाहिए आपको, न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए आपके, यू नो विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें हैं, या आप सप्लीमेंट के बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों ने बोला सप्लीमेंट आपने उठाया और यहाँ पर आपने इसको जो है कुछ यू नो अगर आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट की यू नो फोटो है तो आप उसको डाल सकते हो, उसको डालकर एज इट इज उसको वहां पर भी लगा सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ यू नो ऐसे आपने डाल दिए सप्लीमेंट्स, या मार्केट के सप्लीमेंट से आपने कंपेयर करना है, किसी ब्रांड को आप यू नो बोलना नहीं चाहते किसी के आगे, होता है ना कि भाई किसी दूसरे का ब्रांड का नाम लेकर हम बुराई नहीं करते, तो आपने क्या किया कि आम न्यूट्रिशन ऐसे दिखते हैं, या आम न्यूट्रिशन के से प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अंदर मिलावट होती है, दुनिया भर की चीजें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। जब आपका अपना प्रोडक्ट क्या आया तो आपने इसको यहाँ पर हटाकर आपने अपना प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मान लो ये आपका प्रोडक्ट है तो आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको आपने ऐसे कर दिया। आप देखो चम्मच जो हमारी फोटो है ये पूरी ऐसे है स्पून के साथ, आप चाहते हो ये हमारी फोटो के अंदर आ जाए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ऐसे आपने इसको ड्रैग कर दिया सेंटर में आ गया, अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने टेम्पलेट के अंदर कर सकते हो, एक एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, न्यू लोकेशन, ये टेक्स्ट जो दिया हुआ है, रीड मोर, यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ का टेक्स्ट, आप इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहो कुछ एड ऑन कर सकते हो, अपनी फोटो उसमें लगाना चाहो तो आप इसमें अपनी फोटो लगा सकते हो, लेट्स से यहाँ पर ये अमित सर की फोटो है, अब अमित सर की फोटो मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, इसको आपने ऐसे सेट कर दिया अबाउट अस, आप यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड को डिजाइन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब एक और चैलेंज आता है, तो ये तो हो गया हम प्रेजेंटेशन को जब आप इंपोर्ट करोगे यानी कि अपने डेस्कटॉप पे आप डाउनलोड करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर राइट साइड में शेयर का एक बटन, शेयर के बटन को आप क्लिक करोगे और शेयर का बटन क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाउनलोड नहीं होगी, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो वहां पर डाउनलोड नहीं होगी, ये PDF के फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या MP4 के फॉर्मेट में डाल सकते हो, अगर इसके अंदर आपने एनिमेशन वॉइस ये सारी चीजें अगर डाली है तो ये एनिमेशन के फॉर्मेट में MP4 वीडियो के तौर पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या अगर कोई एनिमेशन नहीं डाला सिर्फ टेक्स्ट फोटोज ये सारी चीजें हैं तो आप PDF स्टैंडर्ड जो बेस्ट होता है आप वो डाउनलोड करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, डन। तो यहां से आपका प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अगला जो टॉपिक था हमारा हाउ टू मेक अ यूज ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को यूज कैसे करोगे, मैं वापस से होम पेज पे जा रहा हूं और लेट से मैं कोई टेम्पलेट उठाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं फेसबुक पे पोस्ट बनाना चाहता हूं, ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं मुझे चैट में लिख के बताएंगे, आप में से आप एग्जैक्टली कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। हाँ देखिए शिवम जी का एक क्वेश्चन आया है, मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया, देखिए आप कौन सा टेम्पलेट यूज करते हो मुझे चैट में लिख के बताएं, फेसबुक यूज करते हैं और क्या यूज कर सकते हैं, और क्या यूज करते हैं आप लोग, जी हाँ आप ही से पूछ रहा हूं आप कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ओके, यूट्यूब, ऑलराइट, और क्या यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं शिवम जी, लिंक्डइन के थ्रू प्रमोशन करते हैं, ओके, और बाकी लोग कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते, फटाफट मुझे चैट पे लिख के बताइए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन भी यूज करते हैं आप, ओके ठीक है,
इंस्टा यूज करते हैं। चलो इंस्टा के ऊपर एक एग्जांपल है, ज्यादातर लोग वैसे आज की डेट में इंस्टाग्राम पे रहते हैं। इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, एक पोस्ट उठाया मैंने, आपने देखा इसका टेम्पलेट जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली मैंने इंस्टाग्राम का एक पोस्ट यहाँ पर उठाया है। इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट मोड में आएगा ये, ठीक है। अगर आपने कोई ब्लैंक टेम्पलेट लेट से मैं पकड़ता हूँ, या यहाँ पे एक बढ़िया सा एक टेम्पलेट उठाता हूँ जो कैची सा दिख रहा हो, जिसको देखने में सामने वाले को मजा आ जाए, जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर आपका एक, चलो ये उठा लेते हैं। तो ये देखो एक क्वारा भी यूज करते हैं। हाँ विशाल जी, मैंने आपको बताया ना इसमें आप पीडीएफ के फॉर्मेट में कर सकते हैं, वो पीपीटी के एमएस पीपीटी के फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगा, ये आपका पीडीएफ होगा। और पीडीएफ को भी आप प्रेजेंटेशन मोड पे ऑन करके अगर आप रन करते हो जूम वगैरह पे भी, तो भी बहुत अच्छा चलता है। इज इट एज गुड एज यू नो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। चलो ये हमारा एक टेम्पलेट आ गया, थोड़ा सा बहुत नया लुक है, मॉडर्न लुक है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि एक नजर में रोक के रख रहा है कस्टमर को, यानी कि आपका जो स्क्रॉलर है फेसबुक पे, कस्टमर है आपका, प्रोस्पेक्ट है, वो यहाँ पर स्क्रॉल करते करते रुकेगा जरूर, क्योंकि टेम्पलेट बहुत ही आई कैचिंग है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। पीछे बैकग्राउंड में एक ब्लर सी फोटो है किसी लड़की की, सामने एक यू नो जिम वाला एक यहाँ पे फोटो आ रहा है, और ये सारी चीजें आ रही। तो मानो कि अगर आपने कोई यहाँ पर ये फोटो चेंज करके आपने अपना फोटो कुछ डालना है, और आप जाते हो यहाँ पर, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपने आपकी अपनी खुद की कोई फोटो, कोई ब्रांडिंग अगर आप करना चाहते हो, तो लेट्स से मैं यहां पर नीचे आता हूं और लेट्स से मैं अपनी यहां पर एक ब्रांडिंग करना चाहता हूं, और मैं यहां पर ये वाली फोटो उठा के डालता हूं। अब ये फोटो मैं यहां पर लगाना चाहता हूं या कहीं पे लगाना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा दिखाता हूं तो पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा छुप रहा है, अगर मैं उसको राइट में भी शिफ्ट करता हूं तो फोटो भी मेरा उतना बड़ा है तो आ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या करना होगा मुझे, इसका मतलब मुझे इसको मूव करना पड़ेगा यहां से, और इसको मूव करूंगा तो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सारा बैंड बच जाएगा। तो इससे पीछे मैं एक और चीज सिखा देता हूँ आपको, फ्रेमिंग। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना स्काई कलर में, ये फोटो हटने के बाद, इसे बोलते हैं फ्रेम। तो फ्रेम को मैंने डिलीट कर दिया, और एलिमेंट में आप जाओगे और यहां पर कोई फ्रेम ले लोगे, फ्रेम को सिलेक्ट करोगे, और फ्रेम में मैं ले लेता हूं लेट से एक टैब या मोबाइल जैसा चीज कुछ ले लेता हूं, ठीक है, मोबाइल जैसी चीज ले ली मैंने यहां पर, इसको मैंने डाल दिया। एक तो मैं ये कर सकता हूं, दूसरा अगर आप फ्रेम का इस्तेमाल करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लेट से मैं ये फोटो अपलोड करना चाहता हूँ और इसको मैं करना चाहता हूँ। अब टेक्स्ट मेरा इस तरफ है, फोटो का चेहरा मेरा उस तरफ है, तो देखो यहाँ पर कैनवा में एक ऑप्शन होता है फ्लिप का, फ्लिप के एक ऑप्शन में यहाँ पर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इस सब कर सकते हो। अब देखो इस तरफ हो गया ना चेहरा, अब इसको आपने थोड़ा पीछे सेट कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ कमी दिख रही है। कमी क्या दिख रही है कि ये जो किनारे वाला जो पार्ट आ रहा है ना फोटो का, ये एक तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा भद्दा सा दिख रहा है, और पीछे वाले टेक्स्ट को भी वो ओवरलैप कर रहा है। ये समस्या आप में से बहुत सारे लोगों के पास आती होगी, जब आप फोटो को छोटा बड़ा करते होगे, सोचते होगे कैसे इसको सही करें। सबसे अच्छी चीज कैनवा के अंदर ये है कि आप जब फोटो के ऊपर रखते हो, माउस को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद एडिट इमेज में अगर आप जाते हो, अगर आपके पास प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन में आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूवर करके एक ऑप्शन होता है, यस, बैकग्राउंड रिमूवर को आपने क्लिक किया, और देखो मिनटों के अंदर सेम पिक्चर क्वालिटी के साथ, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन फ्री यू नो बैकग्राउंड रिमूवर यूज करोगे तो पिक्चर की क्वालिटी बहुत गिरा देता है, या तो उनका प्रीमियम खरीदो। यहाँ पर इस प्रीमियम के, अगर आप ऑलरेडी आपके पास है प्रीमियम वर्जन, तो आप यहाँ पर इस टूल का यूज कर सकते हो, ये इंटीग्रेटेड आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर फोटो आ गया, बेस्ट एसर आई यूज मेनी टाइम्स, हरी जी बोल रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने कैनवा का हमारा कोर्स लिया हुआ है, वर्मा जी की बात कर रहा हूँ, और कार्तिक जी भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, ठीक है कार्तिक, थैंक यू। तो बैकग्राउंड रिमूवर वर्मा सर ने यूज किया हुआ है, और हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया था, आई थिंक वो रिटर्निंग हमारे कस्टमर हैं जो दोबारा से आए इस वेबिनार के लिए, थैंक यू वर्मा सर। एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए ये फोटो आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप इसकी कॉन्ट्रास्ट और कलर कॉम्बिनेशन ये आप एडजस्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब आप कोई भी टूल यूज करते हो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी 19:20 होती है, तो 19 को वापस 20 करना है और पहले जैसा दिखाना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे जिसकी वजह से दिक्कत आती है। आप देखो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई दिया होगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा आप यहाँ पे यू नो बढ़ा सकते हो, तो ये थोड़ा सा और कम करना हो और कम कर सकते हो। ब्लर थोड़ा सा दिख रहा है, ब्लर को आप माइनस में लेके जा सकते हो, -4, -8, या जिस टाइप से आपको, जैसा आपकी फोटो की क्वालिटी है और जिस हिसाब से आ रहा है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट सिचुएशन के हिसाब से या फोटो के हिसाब से आपको करना होगा। अब क्या हो गया, आपका फोटो यहाँ पर आ गया, फोटो आपका यहाँ पर आ गया, और दूसरी चीज ये है कि आप
उन्होंने इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा। आप देखो ये टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, आप इसमें कोई प्रमोट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, सारी चीजें आपकी डिटेल, आपका यू नो बिजनेस प्लान का जो भी मॉडल है या जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी कोट आप लिखना चाहते हो, मोटिवेशन कुछ डालना चाहते हो, आपने अपना कोट बढ़िया सा सजाया और इसको पब्लिश करके आपने कहाँ चढ़ा दिया इंस्टाग्राम। टेम्पलेट भी मैच हो गया, फोटो भी बढ़िया लगा दी और सारी चीज होगी। अब हम बात करते हैं कुछ और इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस की, तीसरा पॉइंट हम कवर कर रहे हैं और ये बहुत पंच है। देखो मोर के अंदर ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप क्या करते हो आज की डेट में, अगर आपने कोई MP3 रॉयल्टी फ्री म्यूजिक उठाना है तो आप क्या करते हो, किसी XYZ गूगल पे सर्च करते हो MP3 वीडियो रॉयल्टी फ्री, है ना, तो वहां पर बहुत सारी साइट्स मिलती है, उसमें आप जाते हो, कहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, कहीं नहीं मिलता, बहुत सारे सर्च आपको करने होते हैं। या रॉयल्टी फ्री फोटो आपको चाहिए होती है और आप गूगल पे सर्च करते हो रॉयल्टी फ्री फोटो, क्योंकि आप जब बड़े जैसे आप ब्रांड बनते जाते हो आप सब गूगल पे रखी हुई फोटो को यूज नहीं कर सकते, कल को आपके ऊपर कोई क्लेम कर देगा और ब्रांड के ऊपर अगर क्लेम आ गया तो आपकी सारी मेहनत जो सालों की आपने बना के रखी है सब खत्म हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए, डे वन से कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी चीज डालें, कोई इमेज डालें, गूगल से उठाना है, कोई भी इमेज उठानी है तो रॉयल्टी फ्री इमेज आपको उठानी है। अब रॉयल्टी फ्री इमेज के लिए आप कहां जाते हो, गूगल पे जाते हो, कैनवा के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन के। देखो यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है पिक्साबे, पिक्सल, ये सब ऐसे हैं जो आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी देते हैं और ग्राफिक्स भी देते हैं, वीडियोस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब आपने यहाँ पे टाइप किया भाई जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने सर्च मारा, लेट्स से स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स की फोटो आ गई है ना, और आपने यहाँ पर फ्रेम आपको बताई है, वो आपने सीखा ही है, फ्रेम आपने उठाया है, फ्रेम आपने यहाँ पर डाल दिया और आप स्टूडेंट की एक फोटो उठाना चाहते हो, आप पिक्साबे पे गए हो और आप चाहते हो स्टूडेंट का कोई बढ़िया सा वीडियो आ जाए, स्टूडेंट वीडियो, आप सर्च करो यहां पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट है पिक्साबे में, आप वहां पे अलग से जाना पड़ता है, ये कैनवा के अंदर ही आप देख सकते हो सारी चीजें, या वीडियोस के अंदर आप चले जाओ, वीडियोस के अंदर चले जाओ और यहाँ पे डालो स्टूडेंट्स। देखो अब ये 13 सेकंड का वीडियो है। अब लेट से आप यहाँ पर कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आपने उठाया और आपने इस टेम्पलेट के अंदर डाल दिया, अब जब ये ऐसा इसको शेयर करोगे तो होने क्या वाला है, देखो यहाँ पर आप इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देख लो ये मूविंग आ रहा है अंदर, टीवी के अंदर चलता हुआ दिख रहा है। तो आप अपने क्रिएटिव्स को बहुत बेटर कर सकते हो, अपने क्रिएटिव को बहुत शानदार तरीके से इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस का यूज करके आप बना सकते हो। आपका खुद का कोई प्रोडक्ट का वीडियो हो, पहले आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी हुई है, उसका एक छोटा सा क्लिप आपने डालना है अपने पोस्टर के साथ, तो आपने वो क्लिप उठाया और इसके अंदर बड़ा बढ़िया सा डिजाइन के अंदर फ्रेम के अंदर उठा के डाल दिया। अब सामने वाले को जब आपने इसको शेयर किया, यहाँ पे शेयर करने के बाद आप डाउनलोड करोगे तो MP4 वीडियो के थ्रू पे डाउनलोड करोगे, आपने वीडियो डाउनलोड किया, पीछे आपकी फोटो मैटर और सारा कंटेंट स्टिल है और उसके अंदर से एक वीडियो आ रहा है, लेट्स से क्रिप्टो किसी ने नाम दिया कि क्रिप्टो का वीडियो, क्रिप्टो के छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आपकी कंपनी में बने होते होंगे जो आपके टोकन या आपके यू नो कॉइन या आपके एक्सचेंज या व्हाटएवर इट इज उससे रिलेटेड आपका ये होता है। तो आपने क्या किया, उसका एक छोटा सा क्लिप उठाया, इसके अंदर आपने फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो जब आपने सामने वाले को भेजा तो आपसे दो चीजें हो रही है, ध्यान देना, दो चीजें हो रही है, सामने वाला क्या कर रहा है, आपकी ब्रांडिंग भी देख रहा है, आपका फोटो देख रहा है तो आपकी ब्रांडिंग हो रही है, दूसरा इसके अंदर दिए गए मैसेज को भी सुन रहा है कि अच्छा कुछ एक्सचेंज की बात हो रही है, किसी एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसी टोकन की बात हो रही है, वो सारी चीजें आ रही हैं। या फिर अगर आप न्यूट्रिशन में हो, जैसे किसी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया वो हेल्थ न्यूट्रिशन में MLM में, तो आपका एक यू नो प्रोडक्ट के ऊपर आपके छोटे छोटे वीडियो क्लिप बने होंगे, आप उसको इंसर्ट कर दीजिए, और वीडियो टीवी के अंदर मैंने डाल दिया, मोबाइल के अंदर डाल सकते हो, टैब के अंदर डाल सकते हो, जैसा मर्जी वैसा फ्रेम बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, सर्कल डालना चाहो, वो सबका सब आपको फ्रेम के अंदर एलिमेंट मिल जाएगा, एलिमेंट के अंदर फ्रेम मिल जाएगा, जैसा मर्जी वैसा आप एलिमेंट यहां से उठा सकते हो और उसको उठा के डाल दिया और उसके अंदर आपने अपनी चीजों को एडिट कर दिया, वीडियो भी कर सकते हो, फोटो भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। तो ये था यूज ऑफ द इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन। तो एक और चीज मैं यहां पर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा, वापस से स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, हाँ हाँ वो हमारे ग्रुप में आ जाएगा सुमन जी, और क्वेश्चन आंसर को हम अभी एंड में लेने वाले हैं, आपका जो भी सवाल है वो अभी एंड में लेंगे। तो देखो इस वेबिनार में हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कवर करी हैं और फ्री वेबसाइट का मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लोर करूंगा, अगर होगा तो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा कि किस तरह से प्रोसेस है, कैसे आप इसको वापस लेके अपनी वेबसाइट को डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक
ठीक है, तो बेसिकली हमने एक अपना एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, कैनवा प्रो का बेसिक टू एडवांस का कोर्स है ये। आप चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन, इंटरफेस, लॉगिन, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। फ्रेम का इस्तेमाल कैसे करना है, हजारों फ्रेम है, उसको आप कैसे यूज करोगे। हम प्रैक्टिस सेशन भी इसमें हमने करा हुआ है, असाइनमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें हैं। यूज एलिमेंट का कैसे यूज करना है, डिजाइन कैसे, MP4 वीडियो जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो वीडियो, MP4 वीडियो यहाँ पर बना हुआ है वो कैसे बनेगा। एनिमेशन को उसके अंदर ऐड करना है, वॉइस को उसके अंदर ऐड करना है, वॉइस ओवर करना है, किसी और की वॉइस ऐड करनी है, वो सारी चीजें कर सकते हो। और इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कम से कम 6 या 7 ऐसी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आपकी क्रिएटिव को बहुत शानदार बना सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर बताई है। और टीम कैनवा के अंदर बना सकते हो, यानी कि आप टीम के तौर पे भी काम कर सकते हो। लेट्स से आप एज अ लीडर काम करते हो 2-3 लीडरों के साथ मिलकर, तो आपने कैनवा में एक डिजाइन बनाया, सामने वाले को पास किया, आपकी डाउनलाइन को, आपके अपलाइन को, और उसी डिजाइन को फर्दर उसने अपने हिसाब से उसने मॉडिफाई कर लिया, दोनों के एफर्ट बच गए। तो कैनवा का जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है तो बॉस वो मार्केट में आपको 2500 रुपए के आसपास मिलेगा, लेकिन कैनवा का जो लाइव कोर्स है वो आपको 3500 रुपए के आसपास मार्केट में आपको पड़ेगा, अगर आप कैनवा को अच्छे ढंग से सीखना चाहते हो। मेरा जो कोर्स है कैनवा प्रो का, इसमें मैंने आपको एक बार चीज बताया था ना कि ब्रांडिंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, कि आपका प्रो अकाउंट का एक्सेस अगर आपके पास है तो सारे प्रीमियम टेम्पलेट आपके लिए लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग फ्री कब होंगे, जब आप उसके लिए लाइफ लॉन्ग पैसा कैनवा को देते रहोगे, यानी कि महीने के लिए 499 रुपए, साल का 3999 रुपए, तकरीबन कुल मिलाकर ये दोनों ही चीज आपको मार्केट के अंदर 6500 रुपए के आसपास तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और कैनवा का कोर्स अगर आप नहीं भी करोगे और प्रीमियम वर्जन ही यूज करना चाहते हो बस, तो भी 4000 रुपए साल का हर साल आपको देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कर नहीं रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, सालों साल के लिए कर रहे हो, और आपको ये क्रिएटिव का आपको एक्सेस मिलता रहे और बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट आपके समय के साथ बनते जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीमियम का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। हमारा जो ये कोर्स है ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको देता है कैनवा प्रो अकाउंट का। इस कोर्स को परचेज करने पे आपको लाइफ लॉन्ग का कैनवा का प्रीमियम अकाउंट एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी ऑन विद पे कॉस्ट है 1499 रुपए, यानी 77% का डिस्काउंट के साथ आप ये कोर्स को परचेज करते हो।